टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वास्थ्य केंद्र पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ करीब 700 से भी ज्यादा लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच गए। आप सोच रहे होंगे कि एक साथ इतने लोगों को कुत्ते ने कैसे काट लिया, तो सुनिए, इंजेक्शन लगवाने जो लोग लाइन में खड़े हैं उन्हें किसी कुत्ते ने नहीं काटा है। दरअसल कुत्ते ने एक भैंस को काट लिया है और उसी भैंस के दूध से बने रायता को इन सभी लोगों ने खा लिया है। और जैसे ही इन सभी को जानकारी मिली कि उस भैंस को कुत्ते ने काटा था, जिसकी वजह से भैंस और बछड़े दोनों की मौत हो गई है, लोगों में दहशत का माहौल हो गया और ये सभी लोग स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गए रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए। ये पूरा मामला ग्वालियर का है। घटना ये हुई है कि पागल कुत्ते ने भैंस खाई, भैंस कभी तक दूध दिया दे रही चाहिए, फिर वही पागल उसका मठा था दही मठा बनाया, वो आ गया कमी में, सोच को मिला दिया, फिर सब लोगों ने रायता खाया, अब वो भैंस और पड़ा दोनों खत्म हो गए। तो अब वो दिक्कत आ रही कि पता नहीं कि आदमी का जब वो नहीं आया है, तो इसलिए इंजेक्शन लगाने के हॉस्पिटल आए। एक भैंस को कुत्ते ने काट खाया था काफी दिन पहले, तो वो मठा लेके आए उनसे, वो भैंस वाले से, तो मठा लेके आए, उनने वो रायता बनाया। अब 600-700 आदमी का खाना था, तो खाने में डाल दिया मठा उस रायते में, तो सब लोगों ने खाया। और खाने के बाद में जब पता चला कि भैंस खत्म हो गई, तो हम लोग जो है इधर आए, सब लोग बोले वैक्सीन लगवाओ, तो उसके लिए आए। अब जहाँ देखो तो ऐसी भीड़ हो गया, पागल कुत्ता था उसने भैंस पागल था। कौन से गांव की घटना है ये? पाली गांव। घटना तो चांदपुर की है, पाली से मठा आया था, पागल कुत्ते ने काट रही थी।